हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल मैं नंदिनी सिंह आप सबका कर स्वागत करती हूँ एंड हम कौन से सेशन में दोस्तों हमारे मॉड्यूल वन दैट इज डी सी सर्किट का ये होने वाला है थर्ड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ऑल अबाउट सिलेबस देन बेसिक्स एंड इसके पहले आपने देखा कि रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीन जो नेटवर्क एलिमेंट्स बोल लो या फिर सर्किटल एलिमेंट्स बोल लो या नेटवर्क कंपोनेंट बोल लो ये जो तीन चीजें थी उनका हमने डेरिवेशन देखा नॉट सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन बट या वर्क का फॉर्मूला क्या है एंड उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वोल्टेज किस तरह मिलता है, किस तरह मिलता है है करंट किस तरह एंड ऑल थिंग्स आज हम लोग लेक्चर में क्या देखने कर दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट में जो हम लोग कंपोनेंट्स लगाते हैं जो एलिमेंट्स लगाते हैं वो किस तरह के होते हैं एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं लीनियर या नॉन लीनियर बाइलेट्रल या यूनिलैट्रल और और एक है लम डैन डिस्ट्रीब्यूटेड तो ये जितने भी टाइप्स है वो आज हम लोग देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इट इज एनी पोटेंशियल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये एक अरेंजमेंट होता है किस चीज का अरेंजमेंट दोस्तों अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेट का अरेंजमेंट जैसे कि रेजिस्टर ये आपने देखा इंडक्टर कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स दे आर ऑल कनेक्टेड अभी वो चाहे सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो ठीक है अभी इनको ना ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है दैट इज पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट बट इसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट ये एक क्लोज पाथ होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या फिर करंट बोल लो दोस्तों इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एंड और या करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इज दिस साइड किसका फ्लो का डायरेक्शन दोस्तों इलेक्ट्रॉन के फ्लो का देन हमारे जो करंट है करंट के फ्लो का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट ठीक है दैट वॉज द कंसेप्ट नेक्स्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कभी भी वो सीरीज में कनेक्टेड रह सकते हैं या पैरल में रह सकते हैं टेंशन मत लीजिए दोस्तों इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट लेक्चर्स में देने वाली हूँ फिलहाल आप सब डेफिनेशन याद रखिए कि क्लोज पाथ है जहां पे हमारा करंट फ्लो होने वाला है है ना दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं हमारे नेटवर्क एलिमेंट्स के टाइप्स में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अब दोस्तों पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम बीडब्ल्यू पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना हर एक चीज पढ़ना है बट आपको उसमें एक्चुअली पढ़ना क्या रहता है दैट इज डेफिनेशन डायग्राम एंड आपको उसमें अगर डेरिवेशन दिया है तो डेरिवेशन मन नहीं डायग्राम देख के आप तो बना ही सकते हो ना कि दिस इज सीरीज कनेक्शन द दिसर इज कनेक्टेड इन सीरीज द रजिस्टर इन कनेक्टेड इन पैल तो इसे आपका आंसर प्रॉपरली बन जाएगा एंड डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों क्योंकि अगर डेफिनेशन याद रहेगा ना आप वो आंसर को एक मीनिंगफुल आंसर बना सकते हो ऐसा भी नहीं कि आपने हवे में लिखा है डेफिनेशन से आपका पूरा आंसर एक मीनिंगफुल आंसर बन जाएगा एंड जब आप डायग्राम बनाते हो तो उसमें ध्यान दो आप प्लस माइनस साइन डाल रहे हो डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड ऑल द थिंग्स आप अच्छे से कर रहे हो ठीक है दोस्तों नाउ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट यहाँ पे जो वो कंपोनेंट्स हमने देखे कंपोनेंट्स नहीं देखे जो हमने पार्ट्स देखे लाइक like, रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस कैपेसिटर तो ये जो भी हमने देखा वो क्या थे नेटवर्क एलिमेंट्स थे नेटवर्क कंपोनेंट्स थे राइट right? अब यहाँ पे उनको डिवाइड किया गया है कि वो एक्टिव है या पैसिव है लीनियर है या नॉन लीनियर है बायोलैट्रल है या यूनिट्रल है लम्ब्ड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है दोस्तों तो इन चार मेजर क्लासिफिकेशन किया गया है अब आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों वॉट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट मस्ट क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आना तो आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा एंड डायग्राम ऑफ एनी एलिमेंट बोला रहेगा ये कैपेसिटर कैपेसिटर का का ग्राफ है ये इंडक्टर का ग्राफ है, है या रेजिस्टर का ग्राफ है तो ऐसे कोई भी ग्राफ दिया रहेगा आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा दोस्तों कि वो जो ग्राफ है वो किस कंपोनेंट का है और वो कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक्टिव पैसिव लीनियर ये जो आर्ट टाइप ऑफ कैरीज में से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा उसमें एक क्वेश्चन हम लोग जस्ट इसके एक्सप्लेनेशन के बाद लेने वाले दोस्तों तो प्लीज अपने पेन और पेंसिल लेके रेडी रहिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं बीड़ा बिल्ली पढ़ते कैसे है मैं आपको बताती हूँ देखो बहुत ईजी है हमने जो फोबिया बना के रखा है ना कुछ काम का फोबिया नहीं है वो दोस्तों सही एक्टिव एंड पैसिव में ना सो so, जो इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर की गई है ना क्लासिफिकेशन करने के लिए दैट इज कैपेसिटी टू ट्रांसमिट पावर एंड वो पावर ट्रांसमिट करना पावर ट्रांसमिट करना मतलब दोस्तों क्या ऑब्वियसली करंट सप्लाई करना उसके बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है है ठीक तो एक्टिव किसके बेसिस पे डिवाइड किया है पावर ट्रांसमिट करने के लिए तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है एक्टिव एलिमेंट पावर देते दूसरे एलिमेंट को जो सर्किट में प्रेजेंट है ठीक है ये क्या करते हैं ये पावर देते दूसरे एलिमेंट को तो पैसे क्या होगा सोचो सोचो अगर एक्टिव दूसरे एलिमेंट्स को पावर देता है जैसे कि हमारा करंट या फिर वोल्टेज सोर्स है ना करंट और वोल्टेज क्या करते हैं हमें पावर देने का काम करते हैं राइट तो उसी को बोलते कभी-कभी ऐसा होता है कि जो एक्टिव एलिमेंट है वो पावर अब्सॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा पावर खुद के लिए लगता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों जो वोल्टेज होता है उसके अंदर एक शंट रेजिस्टेंस होता है उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में कि जो वोल्टेज है इट हैज अ शंट रेजिस्टर कैसा रहता था दोस्तों से राइट ऐसे हमारी बैटरी दिखाते थे करंट सोर्स रहता है करंट सोर्स है, है अभी प्लस साइन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ मैं आर दिखा देती हूँ एंड ये करंट के साथ उसका एक खुद का रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस अगर कहीं भी आपको ये डेफिनेशन याद है तो प्लीज आज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि डेफिनेशन क्या होता है शंट रेजिस्टेंस तो उसका जो खुद का रेजिस्टेंस होता है ना उसमें वो क्या करता है थोड़ा सा पावर अब्जॉर्ब कर लेता है जहां उसको का टोटल पावर देना चाहिए वहां पर वो फोर पॉइंट देता है ज्यादा नहीं करता लेकिन माइन्यूट सा करता है जो कि हम बेसिकली इग्नोर करते हैं बट जहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करो तब आपको वहां पर ध्यान देना होगा ठीक है एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये तो आपने एक्टिव के बारे में जान लिया एक्टिव क्या करते हैं पावर को डिलीवर करते हैं और कभी कभी पावर को अब्सॉर्ब भी करते हैं ठीक है तो ये इसका फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा okay? Now, next next क्या है हमारा डेफिनेशन पैसिव एलिमेंट्स का अब दोस्तों पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं दिस एलिमेंट्स ओनली रिसीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब करते हैं रिसीव करते हैं ये किसी और को सप्लाई नहीं करते इनका काम नहीं है सप्लाई करना ठीक है दोस्तों एंड इसका मतलब क्या है वो अगर पावर को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमें पता है कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती ऑब्जॉर्ब होती तो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है पैसिव एलिमेंट्स एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है पावर ऑब्जॉर्ब करता है तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है अगर वो उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है उसका मतलब हमारा आर हो गया ठीक है दोस्तों ये आर हो गया अगर वो स्टोर कर रहा है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो गया ठीक है एंड अगर, अगर करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा इंडक्टर हो गया ओके okay, दोस्तों तो पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये दूसरों को एनर्जी सप्लाई नहीं करते ये खुद अब्जॉर्ब करके रखते हैं एंड दे कन्वर्ट द एनर्जी अब्जॉर्ब इनटू डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि हीट इलेक्ट्रिक कैपेसिटर तो आपको पता ही स्ट्रक्चर होता है उसका डायग्राम भी हम इंडक्टर का कैसे बनाते हैं ऐसे हमारा डायग्राम होता है इंडक्टर का राइट एंड कैपेसिटर का डायग्राम कैसे रहता है दोस्तों हमारा ऐसे और दोनों लाइन बनाते हैं हम लोग जो सेम हाइट के होते हैं ठीक है दोस्तों एंड अपना रेजिस्टर तो आपको पता ही है रेजिस्टर कुछ इस तरह दिखता है इसका इमेज आप गूगल से देख सकते हो और यहाँ पे ना बैंडस होते हैं ग्रीन येलो और यहाँ पे गोल्डन कलर का बैंड होता है ये आपका रजिस्टर होता है एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है दोस्तों ये क्लियर है आपको कैपेसिटर इंडक्टर एंड रजिस्टर ये क्या हो गए हमारे पैसिव एलिमेंट्स अब ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो हमने जान लिया कि अगर हमारा जो भी कंपोनेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ऑब्जॉर्ब और रिलीज ऑब्जॉर्ब हो रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी दे भी रहा है देन दैट इज एक्टिव सिर्फ ऑब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं दे रहा है उसके बदले में हीट मैग्नेटिक फील्ड या कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर रहा है then that is passive. ठीक है दोस्तों एंड वन मोर थिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट इज एक्टिव और पैसिव एक्टिव में जो आपका वैल्यू रहेगा रेजिस्टेंस का दैट विल बी नेगेटिव ठीक है मोस्टली वो निगेटिव हो जाता है एक्टिव एलिमेंट्स ना नेगेटिव इंपिडेंस uh, देते हैं एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या देते हैं पॉजिटिव इंपिडेंस पॉजिटिव वैल्यू देते हैं वो लोग ठीक है आई होप आपको इंपिडेंस भी क्लियर और रेजिस्टेंस भी क्लियर है इंपिडेंस क्या होता है रुकावट किसी भी ऑब्जेक्ट में पाया जाएगा किसी भी नेटवर्क एलिमेंट में रहेगा रुकावट वो करंट को स्टॉप करने की कोशिश करता है एंड वॉट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज रुकावट इन पर्टिकुलर ओके बस इतना ही फर्क है दोस्तों बाकी दोनों का काम एक ही है करंट को पास होने से रोकना दैट इज करना इंसुलेट करना इंसुलेट करने की कोशिश करना कहीं ना कहीं ओके okay, दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो नाउट इज गो टू द नेक्स्ट थिंग सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें स्टार्ट करना है दोस्तों दैट इज अबाउट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स अब दोस्तों लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स होता क्या लीनियर नाम से ही समझ रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन आने वाला है बट कहाँ आएगा स्ट्रेट लाइन वो तो निकालना पड़ेगा तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऐसे ही आपको दोस्तों क्वेश्चन में भी जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझना तब आपको ऐसे दिमाग लगाना है क्वेश्चन में वर्ड है ये वर्ड का रिलेशन क्या होगा अब लीनियर स्ट्रेट लाइन फिजिक्स को पढ़ नहीं रहे हम तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है तो किसकी बात हो रही होगी तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट तो इससे क्या होगा आप लोग को जब समझ में आ जाए तो आप कुछ तो लिख पाओगे आपके पूरे मार्क्स जा पे, तो तो पे जाते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स तो इसको किसके बेसिस पे है उनकी ये अब दोस्तों, कभी भी कंपोनेंट ले लो रजिस्टर ले लो इंडक्टर ले, ले लो कैपेसिटर ले लो जब आप उसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में इलेक्ट्रिक सॉकेट दोस्तों यानी कि एक क्लोज पाथ होता है राइट कैपेसिटर ले लो या रेजिस्टर ले लो या इंडक्टर ले लो उसको जब आप क्लोज पार्ट में कनेक्ट करोगे और V नाम V वोल्टेज सप्लाई होगा ठीक है दोस्तों V वोल्टेज सप्लाई होगा एक मिनट आ जस्ट मिनट ओके okay. अगर वी वोल्टेज सप्लाई होगा एंड आई नाम का करंट सप्लाई होगा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा उसका ग्राफ हम लोग देखने वाले दोस्तों तो so, डेफिनेशन क्या कहता है लीनियर एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जब मैं वी और आई का जब मैं ग्राफ बनाऊ तो एक स्ट्रेट लाइन आए तो वो एलिमेंट्स लीनियर होते हैं मतलब उस एलिमेंट में जितना जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना उतना करंट भी बढ़ता है ठीक है एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होता है जो लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं यहाँ पे उनका लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखता जैसे कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स अब एलिमेंट्स को कैसे बोला जाएगा दोस्तों अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊ वोल्टेज वर्सेस करंट का तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा एंड वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा ये हो जाएगा हमारा लीनियर एलिमेंट राइट एंड नॉन नॉन लीनियर क्या होगा दोस्तों कभी कभी ये कुछ देर तक तो स्ट्रेट जाएगा बट थोड़ा सा जैसे ही टेम्परेचर में चेंज होता है इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका नॉन लिनियर तो ये हो जाएगा आपका नॉन लीनियर ठीक है दोस्तों अब ऐसे जो सिचुएशन होती है आपने पढ़ा एक चीज जब स्ट्रेट लाइन होता है तब देन उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स फॉलो ओम्स लॉ ये ओम्स लॉ फॉलो करते राइट दोस्तों एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा भी चेंजेस हो गया थोड़ा भी चेंजेस हो गया टेम्परेचर में सराउंडिंग में मटीरियल में, जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो आगे, आगे कहीं ना कहीं बेंडिंग से आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये किसी हर एक देखो जितना वैल्यू आई का है उतना ही करस्पॉन्डिंग वैल्यू वी का रहेगा एंड रहे एक ऐसा प्रोपोर्शनल रहेगा एक दूसरे को ठीक है ये देखो जितना है उतना वो वैल्यूज रहने वाला है सो so, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट दोस्तों uh, आप कहीं से भी करेंट पास करो वो आपको सेम वैल्यू देगा रेजिस्टेंस का ठीक है अब जैसे कि मान लो बायोलेक्ट्रल एलिमेंट क्या बोलते हैं अलाउ द करेंट इन बोथ द डायरेक्शन दे गिव द सेम इंपीडेंस रेजिस्टेंस का वो सेम वैल्यू देगा इन आइदर डायरेक्शन जैसे कि अगर मैं रेजिस्टर ले लूं और इसको मैं करंट यहां से अभी मेरा करंट जो है दोस्तों वो यहां से पास हो रहा है मेरा करंट तो जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है अब रेजिस्टेंस है तो आर लिख देते या फिर तुम इसको जेड भी लिख सकते हो दोस्तों तो जो जेड का वैल्यू है वो तो वी अपॉन आई ही रहेगा है ना चाहे इधर से पास हो या फिर इधर से पास हो ठीक है दोस्तों चाहे वो इधर से पास हो या इधर से पास हो जो आपका Z का वैल्यू आने वाला है वो a की वैल्यू आने वाला है देर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू बट किसी किसी कंपोनेंट होते कोई कोई कंपोनेंट जैसे बल्ब बल्ब में अगर हम वैल्यूज डायरेक्शन चेंज करते तो शायद वो बल्ब ना जले है ना तो ऐसा कभी कभी होता है तो वो एलिमेंट्स को बोला जाता है यूनिलैटरल एलिमेंट्स यानी कि अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वो दैट अलाउ द करेंट ओनली इन वन डायरेक्शन एंड देर इम्पेडेंस उसमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में से करंट जा सकता है और बायलैटरल बाय मतलब दो दोनों डायरेक्शन से करंट जा सकता है इजिली एंड बायलैटरल में हमारा जो जेड का वैल्यू रहेगा वो सेम आएगा एंड यूनिलैटरल में हमारा जेड का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में चलो वो क्वेश्चन ले लेते तो जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ओके दोस्तों सो कंसिडर वन एलिमेंट अब आप कोई भी एलिमेंट ले लो हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे नेटवर्क एलिमेंट यानी कि रजिस्टर हो सकता है इंडक्टर हो सकता है कैपेसिटर होता है ठीक है दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं जस्ट मिनट स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ठीक है ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया राइट right? क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट मैं एक्स एक्सिस पे करंट दिखा देती हूँ वाई एक्सिस पे मैं वोल्टेज दिखा देती हूँ नेगेटिव एक्स पे करंट का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव वाई पे करंट का वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप आप सबके लिए एक ग्राफ बनाती हूँ कि जैसे जैसे मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है एंड सिमिलरली इधर भी जैसे जैसे करंट का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है वोल्टेज का भी वैल्यू डिफरेंट हो रहा है ठीक है यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ट्राई टू तो अज्यूम इट ओके okay? अभी पे पे शेप्स का ऑप्शन नहीं आई शेप अभी पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन है ठीक है अब आपको पहचानना है ये ग्राफ से कि ये कौन सा एलिमेंट है आपको ये परफेक्ट नहीं बताना है आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि वो एक्टिव है या पैसिव है लीनियर है या नॉन लीनियर है बायोलैक्ट्रल है या यूनिलैक्चुर है ठीक है नाउ सबसे पहले जो चीज आपको बतानी है दैट इज स्टेप वन स्टेप वन क्या है दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है सबसे पहले हम बता देते हैं लीनियर है क्योंकि देखो लाइन देख के पता चल रहा है ये एलिमेंट लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, है ना द The... आई ग्राफ इज अस्ट्रेट लाइन राइट दोस्तों लीनियर एलिमेंट सबसे पहले यह पता चल गया कि वो लीनियर है ठीक है जितना जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना उतना करंट भी बढ़ेगा उसके अंदर ओके okay, दोस्तों देन सेकेंड चीज जो आपको इसको देख के बतानी है एक्टिव है या पैसिव है अभी एक्टिव और पैसिव कैसे बताओगे दोस्तों देखो एक्टिव क्या बोला वो करंट को अब्जॉर्ब भी, भी कर सकता है करंट सप्लाई भी कर सकता है यानी कि उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है है ना अब्जॉर्ब करेगा और सप्लाई करेगा उसी सर्किट में लेकिन पैसिव एलिमेंट क्या होता है दोस्तों वो ऑब्जॉर्ब भले ही करेगा करंट को लेकिन सप्लाई करेगा हीट या फिर अलग अलग फॉर्म्स में यानी कि जो पैसिव एलिमेंट है उसका जो वैल्यू आएगा इंपिडेंस का रेशियो आएगा इंपिडेंस क्या है दोस्तों इट इज अ रेशियो अब जो रेशियो आएगा उसका वी अपॉन आई का दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव तो इसके लिए यहाँ पे आप सब देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालू वी अपॉन आई का तो ये आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू राइट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड है ना जेड बोलो या आर बोलो दोस्तों एक ही चीज है अब मैं यहाँ पे रेशियो निकालू तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस आई क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव रहता है आई भी नेगेटिव रहता है वी भी नेगेटिव रहता है तो ये क्या हो जाएगा पर इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा है ना पॉजिटिव जेड हो जाएगा इसके लिए आप देख सकते हो कि यहां पे भी पॉजिटिव जेड है यहां पे भी पॉजिटिव सेड है तो इसके लिए ये है एक पैसिव नेटवर्क सेंस रेशियो ऑफ वी बाय आई इन बोथ क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यू दोस्तों उनकी इज पॉजिटिव इट इज अ पैसिव एलिमेंट ठीक है ये भी पता चल गया कि एक्टिव है कि पैसिव है पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों हमारे इंडक्टर कैपेसिटर या रेजिस्टर तो ये भी समझ गया कि ये लीनियर भी है पैसिव एलिमेंट भी है स्टेप थ्री बायलैटरल है या यूनिलैटरल है बायोलाइटरल अगर दोस्तों हमें ये पता लगाना है कि कोई एलिमेंट बायोलाइटरल है या यूनि है तो आपको एक चीज याद रखनी है अगर वो यूनिलाइटरल है ना तो उसका करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा यहां पे देखो करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है एंड उसी इंटेंसिटी से करंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ रहा है यूनिलाइटरल में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है बट यहाँ पे ये यह दोनों डायरेक्शन में जा रहा है एंड दोनों डायरेक्शन में जाने के बावजूद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इम्पिटेंस का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव है ना तो इसका मतलब ये क्या है बायोलेट्रल एलिमेंट है दोनों डायरेक्शन में करंट जा सकता है स्टेप थ्री इससे आपको पता चल गया इट इज अ अट्रल एलिमेंट ओके अब बायोलाइट्रल को आप डेफिनेशन लिख देना यहाँ पे हो गया आपका आंसर है ना नोट्स में आप दोस्तों जब आप नोट्स बनाओगे ना मेन मेन पॉइंट्स लिख के रखो बाकी आप उसमें डेफिनेशन लगा दो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा इट इज अ अयोलैट्रल एलिमेंट ठीक है दोस्तों ये क्लियर हो गया ये बाय है या यूनि है ओके ना ये तीन चीज आप अंडरस्टैंड करने के बाद इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आई होप आपको समझ रहा है कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है सबसे पहले ये ग्राफ क्या था कोई भी एक कंपोनेंट का था या तो ये रेजिस्टर का ग्राफ है या तो ये कैपेसिटर का या तो इंडक्टर का है. तो इसमें हमें पता चल रहा है जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रही रू वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वोल्टेज का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव की तरफ जा रहा था ये मुझे पता चल गया है ना देन मैंने क्या पता लगाया मुझे पता लगाना था कि कौन कौनसे टाइप ऑफ एलिमेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो लाइन देख के मुझे समझ गया ये लीनियर एलिमेंट है ठीक है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है नेक्स्ट चीज क्या दोस्तों जो रेशियो है अपॉन और यहाँ भी अपॉन आए का दैट वॉज पॉजिटिव तो ये भी मुझे समझ गया अगर पॉजिटिव है तो पैसिव एलिमेंट है एंड बायलैटरल क्यों है दोस्तों क्योंकि ये आगे की तरफ भी जा रहा है एंड उसी इंटेंसिटी से पीछे की तरफ भी आ रहा है इसके लिए इसको बोला जाता है बायलैटरल एलिमेंट I hope आपको है। है, जो लास्ट है, that is and distributed element. दोस्तों इसको ज़्यादा पूछा नहीं ये स, ब, बस आप definition याद रख लीजिए इस चीज़ का। and distributed element. elements क्या होते हैं? जो छोटे होते साइज में एंड एक साथ बहुत सारे एक्शन ले सकते जैसे कि करंट को रोक भी सकते हैं वोल्टेज को पास भी कर सकते हैं अपने थ्रू तो ये सारी चीजें कर सकते इसलिए उनको लम्ब बोला जाता है जैसे कि स्मॉल इन साइज एंड बहुत सारे एक सा, एक साथ दो एक्शन तो परफॉर्म कर सकते हैं बट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स किनको बोलते हैं जो छोटे नहीं होते जो बहुत बड़े बड़े रेंज में फैले होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जैसे कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन वो इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो टॉवर से घर तक हमारे यहाँ अभी ऐसे जो टॉवर रहता है दोस्तों वहां पर ऐसे घर तक अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है ना दोस्तों तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ओके okay? तो ये टावर से जो कनेक्टेड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो हमारे घर तक आते हैं सौ सौ मील तक दूरी रहती कि वायर्स हम में कर, कर सकते है तो इस तरह आपको आई होप एलिमेंट्स वाला पार्ट क्लियर है कि एलिमेंट जो भी हम सर्किट में लगाते हैं वो किस तरह के होते हैं शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं पैसिव होते हैं है दोस्तों करंट भी ऑब्जॉर्ब करता है करंट भी वापस सर्किट में देता है तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है पैसिव में क्या होता है दोस्तों सिर्फ करंट ऑब्जॉर्ब कर सकता है वो एंड उसकी रेशियो जो वी अपॉन आई का रेशियो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव नेक्स्ट चीज जो आपने देखी दैट वॉज लीनियर एंड नॉन लीनियर लीनियर और नॉन लीनियर में क्या इंपॉर्टेंट है कि वो जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए देन थर्ड चीज जो आपने देखा बायोलाइट्रल एंड यूनिट्रल बायोलाइट्रल में क्या होता है दोस्तों करंट दोनों डायरेक्शन से जा सकता है Unilateral में सिर्फ एक यूनी एक एक ही डायरेक्शन से करंट पास होता है एंड दैट वाज ऑल अबाउट नेटवर्क या फिर एलिमेंट्स बोलो आप दोस्तों एलिमेंट्स बोलो बोलो कंपोनेंट्स चलेगा कोई इशू नहीं है बस आपको याद रखना है कि हम किस को क्या बोल रहे हैं और वो कौन से पार्ट में आते हैं ठीक है अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी तरह एक और मैं ऐसा ग्राफ बना के दिखाती हूँ दोस्तों आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ठीक है यहां तक ये स्ट्रेट गया फिर ये यहां तक ऐसा हो गया फिर यहां तक ये ऐसा स्ट्रेट गया लीनियर है फिर यहां से ये ऐसा हो गया तो इसको कंपोनेंट को क्या बोलें तो कहां तक स्ट्रेट गया मान लो ये टू एम्पियर तक स्ट्रेट गया ठीक है ये टू एम्पियर तक स्ट्रेट गया है ठीक है दोस्तों तो आपको बताना है ये एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है लीनियर है बायोलैटरल है या पैसिव है ओके चलो एंड दैट्स ऑल लेट्स गो टू अनदर थिंग ओके कमिंग टू द वेरी न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ सोर्सेस तो दोस्तों जो सोर्सेस होते हैं वो मेनली किसके अंडर आते हैं हमारे एक्टिव एलिमेंट्स राइट उनका काम क्या है पावर को ऑब्जॉर्ब करना और करंट वापस उसी सर्किट में देना भी जिस करंट करंट जिस सर्किट से वो ले रहा है उसी उसी सर्किट में करंट देना भी उसका काम है तो हमारा बैटरी भी एक एक्टिव एलिमेंट का पार्ट था जो ये काम करता है एंड हमारा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो भी आप बोलो दोस्तों ठीक है नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टाइप्स ऑफ सोर्सेस ये एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर आते हैं दोस्तों एक्टिव एलिमेंट्स ये नेटवर्क एलिमेंट्स है नेटवर्क कम्पोनेट्स है जो दूसरों को पावर देते हैं पावर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों वोल्टेज इंटू करंट आई नो इसको आप बहुत तरह से मॉडिफाई कर सकते हो बट ये इसके साथ जाते हैं हम तो वोल्टेज इंटू करेंट है राइट वोल्टेज इंटू मतलब वोल्टेज भी देता है करंट भी देता है एक्टिव एलिमेंट सर्किट में उसको ऑब्जॉर्व भी करता है कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स को बोला जाता है सोर्सेस सोर्सेज ऑफ वोल्टेज और करंट टाइप तो ये एक्टिव एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है सोर्सेस ऑफ वोल्टेज और करंट टाइप ओके दोस्तों सोर्सेस तो को किसमें क्लासिफाई किया गया है टू ब्रॉड कैटेगरीज फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट सोर्सेस दो कैटेगरी है दोस्तों इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सबसे पहले हम शांति से सारे डेफिनेशंस देख लेंगे डेफिनेशंस को समझ लेंगे देन उसका एक्चुअल यूज कहाँ होता है डे टू डे लाइफ में वो देखेंगे ठीक है नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होता है दोस्तों एज द नेम सजेस्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट ये किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं यानी कि अगर मैंने पांच वोल्ट की बैटरी लगा दी है तो वो पांच वोल्ट ही प्रोड्यूस करेगा उसको नहीं फर्क पड़ेगा मेरे सर्किट को कि साथ में कितना रेजिस्टर है कितना बल्ब लगाया मैंने फैन लगाया है उसके कितना अलग अलग रजिस्टर इंडक्टर लगा उसको नहीं फर्क पड़ेगा वो उतना का उतना वोल्टेज ही देने वाला है एंड ये इंडिपेंडेंट जो कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले आएगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं यानी कि उसका जो वोल्टेज का वैल्यू रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा दिस वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ करंट उसको नहीं फर्क पड़ता कि कितना करंट जनरेट हो रहा है क्योंकि वोल्टेज अगर मैं सप्लाई करूं तो रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जनरेट होता है राइट दोस्तों क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है दोस्तों V इक्वल टू आई आर तो कितना मैं वोल्टेज सप्लाई करूंगी इस पर डिपेंड करता है कितना कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे ठीक है तो इसको एक ग्राफ के हेल्प से आप समझ लेते हैं डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि इट प्रोड्यूसेज कॉन्स्टेंट वोल्टेज क्योंकि डिपेंड नहीं करता ना किसी पे भी अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ठीक है तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा अस डू दैट ठीक है आप भी मेरे साथ ग्राफ वगैरह नोट डाउन करो वैसे ये वाला पीडीएफ आपको सेम जाने वाला है इसलिए मैं पीडीएफ में, में एकदम अच्छे से एक क्लियर एंड कट आपके लिए बना रही हूँ okay. so, तो हम वोल्टेज सोर्स बना लेते हैं दोस्तों वोल्टेज सोर्स जो हम इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स है ना वो कैसे बनाते हैं या तो आप बैटरी दिखा दो ठीक है अब ये सेल हो गया आई नो इसमें और सारे लगेंगे तब ये बैटरी हो जाएंगे हो जाएगा बना देते हैं अब ये बैटरी हो गया राइट तो इसका पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे की तरफ है ठीक है अभी ये उसका एक टर्मिनल हो गया ये दूसरा टर्मिनल हो गया इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते टर्मिनल्स को ठीक है ये आपका एक्चुअल जो आप बनाते आए हो अब इसको एक और तरीके से बना सकते दैट इज सर्कल बनाओ ऊपर की तरफ अगर आपको प्लस चाहिए ऊपर प्लस नीचे माइनस इसके अंदर वी लिख दो ये नीचे ऐसे हो जाएगा ओके okay? तो ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स ठीक है? इसका ऊपर की तरफ प्लस है नीचे की तरफ माइनस है किसी किसी में प्लस को बाहर भी रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी किसी में प्लस को अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज रहेगा ना अगर मैं उसको ग्राफ बना दूं अगर मैं उसका ग्राफ बना दूं अगर मैं उसका ग्राफ बना दू ना दोस्तों तो आपको पता है वो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आएगा और ये कोई फिक्स वैल्यू पर मान लीजिए ये वी एस है वी एस नाम की वी एस वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है वो फिक्स रहने वाला है चाहे उसका करंट कितना भी बढ़े कितना भी घटे ठीक है दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको ये इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं दिस सोर्स प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट वोल्टेज इनका वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है दोनों टर्मिनल पे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे या फिर यहाँ पे आप चेक करोगे आपको वीएस वोल्टेज ही मिलेगा सेम वोल्टेज मिलेगा ठीक है दोस्तों ये हो गया आपका जो भी कंसेप्ट था दैट वॉज फॉर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जितना भी वोल्टेज रहेगा वो इक्वल रहेगा आपके वीएस को ठीक है बट एक्चुअल में ऐसा होता है जितना वोल्टेज सप्लाई किया उतना ही वोल्टेज मिल रहा है नहीं कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आती है मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था ये वो जो रुकावट आता है ना वो वोल्टेज के अंदर जो शंट रेजिस्टेंस प्रेजेंट है ना दोस्तों उसकी वजह से आता है किसकी वजह से उसके अंदर अंदर शंट रेजिस्टेंस है मतलब ये ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट ठीक है इंडिपेंडेंट को हमने वायलेट से दिखाया है। अब मैं आपको आइडियल दिखाती हूं दोस्तों आइडियल कैसे होता है देखो आइडियल क्या होता है पता है ये जो वोल्टेज सोर्स है ना प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स का एक खुद का रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर होता है वोल्टेज के अंदर होता है बट मैं बाहर दिखा देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है और आइडियल में क्या होता है पता है ये जो वोल्टेज है ना वो धीरे धीरे से कम होता है जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है ठीक है तो वो धीरे धीरे से कम रहता है तो ये जो वायलेट लाइन था दैट वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट जब इंडिपेंडेंट रहता है एंड ये जो कंडीशन है दैट इज योर आइडियल कंडीशन ऐसा रहता है जो आपके घर में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना जो घर में आपके वोल्टेज आ रहा है उसका आइडियल कंडीशन ऐसा रहता है, कि वो नीचे की तरफ जाता है ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज हो गया एंड ये आपका आइडियल हो गया आइडियल में एक रेजिस्टेंस रहता है ठीक है दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर होगा ये कैसे क्या सप्लाई हो रहा है वोल्टेज का प्लस तो इधर तो ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा यहाँ भी करंट का डायरेक्शन इसी तरह रहेगा है ना एंड इस तरह आपका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन पे खत्म होता है ना लेट इज गो टू हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आई होप आपको ये क्लियर है तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कभी रहता नहीं है ना दोस्तों ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा है ना बट यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट आइडियल की जगह प्रैक्टिकल लिख देते हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकल में ऐसा रहता है इंडिपेंडेंट ही आइडियल हो जाता है ना दोस्तों तो so, हम इसको प्रैक्टिकल लिख देते हैं हमारा ये प्रैक्टिकल सोर्स है एक्चुअल में हमारे घर में ऐसा दिखता है हमें जो हमारे घर का ग्राफ बनेगा ना दोस्तों ओके okay. ठीक है ये क्लियर है नाउ लेट इस गो टू नेक्स्ट पार्ट लेट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स क्या होता है दिस प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है इस किसी भी पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी वोल्टेज लगाए ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वायलेट uh, कलर से इसका ये रिप्रेजेंट कर देती हूँ दैट इज हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हम कैसे बनाने वाले दोस्तों ऐसे एक सर्कल रहेगा सर्कल के अंदर एरो और ये एरो क्या बताएगा डायरेक्शन करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो ये आई नाम का current source है जो यहां पे मैंने लगाया सॉकेट में ठीक है तो जैसे जैसे ये करंट पास होगा तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा जो इस तरह फ्लो करेगा ये टर्मिनल्स में ये वायर्स में टर्... फ्लो करेगा तो इसका ये बोर्ड टर्मिनल्स तो इसका ग्राफ किस तरह आएगा दोस्तों ग्राफ बना लेते हैं ये, है, ये आई है तो जितना भी करंट फ्लो होगा दोस्तों उसको उसको फर्क नहीं पड़ता जितना भी करंट रहने दो वो एक कांस्टेंट करंट से ही फ्लो होगा ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा तो ये आई एस नाम का करंट फ्लो करेगा अपने अंदर तो आई इक्वल टू आईएस ठीक है दोस्तों आई आए... तो इतना करंट आपके इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में फ्लो करेगा यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता कितना भी वोल्टेज रहे कुछ भी रहे बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हमारा सर्किट हमारा जब प्रैक्टिकल सर्किट हम लेते हैं ना तो उसमें जितना करंट फ्लो करता है दैट डिक्रीजेस टू सम वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगता है जिसके वजह से ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वाला जो फैक्ट है ना वो हम अ, 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 अप्लाई नहीं कर सकते कहा प्रैक्टिकल एरियाज में तो इसके लिए इसका जो एक्चुअल डायग्राम रहता है ना वो किस तरह रहता है दोस्तों आपको पता है लेट मी ड्रो इट जो प्रैक्टिकल रहता है देखो सबसे पहले आपका करंट सोर्स तो रहेगा ही कि जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में वो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस रहेगा शंट रेजिस्टेंस दैट इज आर एस ठीक है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो ये आपका करंट हो गया अब आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया एंड यहां पे जो करंट फ्लो करेगा ना बी इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस की कितना आपका वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो करंट जो फ्लो कर रहा है वो किस वोल्टेज की वजह से फ्लो कर रहा है उसका शर्ट रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना पड़ता है प्रैक्टिकल सोर्सेस में इसके लिए यहाँ पे जो आपका आई का वैल्यू है दैट विल बिकम आज इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस तो ये आपका आई एस वैसे हो जाएगा एंड देन आपका जो टोटल करंट रहेगा ना जो टोटल करंट रहेगा वो क्या रहेगा आई एस में से आपको माइनस करना पड़ेगा वीएस अप ऑन आर एस ठीक है दोस्तों जो करंट आपका जनरेट हो रहा है ये जो करंट आपका यहाँ जनरेट हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू अपॉन ना इधर ये शर्न रजिस्टेंस की वजह से जो भी करंट करंट जनरेट हो रहा है एंड उसको आपको क्या करना पड़ेगा टोटल करंट जो भी पास हो रहा है जो भी करंट आपका करंट सोर्स दे रहा है उसमें से माइनस करना होगा तो आपका ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा जो आपका ग्राफ है दोस्तों थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा एंड वो डिक्रीज हो जाएगा करंट क्या होगा डिक्रीज होगा समझ में आ गया दोस्तों आपको क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना ये शंट रेजिस्टेंस की वजह से जो भी करंट जनरेट हो रहा है वो माइनस कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे तो ये सोर्स के करंट से इसके लिए आई इक्वल टू वी एस अपॉन आई एस माइनस वी एस अपॉन आर एस ठीक है दोस्तों क्लियर है नाउ आई होप आपको ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी क्रिएट होगा ये हमारा एक्चुअल सोर्स ऐसा दिखता है बट ये प्रैक्टिकली उसके पास एक शर्न रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट होता है वो जो वोल्टेज होता है दोस्तों अब वोल्टेज तो हाँ जो वोल्टेज जनरेट होता है एंड वो वोल्टेज को अगर मैं शर्न रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दू तो एक करंट मिलेगा जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है इसके लिए मुझे जो भी करंट मेरा एक्चुअल सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से मुझे ये वाला करंट माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे देखो जो सोर्स करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से मैंने वो करंट माइनस कर दिया है एंड उसकी वजह से मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है राइट तो फटाफट लिख देते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया इंडिपेंडेंट एंड ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल दिस इज इन इंडिपेंडेंट एंड दिस इज हमारा प्रैक्टिकल आई होप आपको क्लियर है दोस्तों ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते दोस्तों That इज डिपेंडेंट sources. अब इसमें ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें बिल्कुल नहीं करनी है सिर्फ आपको डेफिनेशन समझ के लेना है डिपेंडेंट सोर्स मतलब जो भी करंट या वोल्टेज हमारे सर्किट में प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सर्किट में जितना करंट या वोल्टेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं दिस इज हमारा डिपेंडेंट सोर्स आप डेफिनेशन देख सकते हो और डिपेंडेंट सोर्स किसी चीज पर डिपेंड करते हैं मतलब वो वो चीज को कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं दूसरी चीज हमारे सोर्स या वोल्टेज को कंट्रोल कर रही है इसके लिए यहाँ पे इसको बोला गया है कंट्रोल सोर्सेस उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है इट डिपेंड ऑन सम अदर वोल्टेज और करंट कभी कभी सर्किट में दूसरे वोल्टेज वगैरह रहते तो उस पर भी डिपेंड करता है ये वाला सोर्स ठीक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज पे डिपेंड होने वाला कोई वोल्टेज सोर्स एंड करंट पे डिपेंड होने वाला कोई वोल्टेज सोर्स ठीक है आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है तो आपने इंडिपेंडेंट अभी तक कैसे बनाया दोस्तों इंडिपेंडेंट सोर्स वो ऐसे बनाया ना एक ऐसा लाइन देन सर्कल देन ऐसे देन प्लस माइनस ये आपका इंडिपेंडेंट था राइट right? तो आपका जो डिपेंडेंट होता है उसको आपको एक डायमंड शेप में बनाना है एंड डायमंड शेप में आपको प्लस माइनस दिखाना है ये भी वोल्टेज है ये भी वोल्टेज बट इसमें डिफरेंस क्या है ये डिपेंडेंट है दोस्तों ठीक है आपका कोई भी सर्किट में आगे कुछ भी रहने दो दोस्तों लेकिन आपको डिपेंडेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक डायमंड शेप में करनी है बस इतना याद रखना है आपको इसमें ठीक है एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिपेंडेंट करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स भी सेम ये डिपेंड करता है दूसरे वोल्टेज या करंट में इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है दोस्तों वोल्टेज और करेंट वोल्टेज के लिए क्या था अमाउंट ऑफ वोल्टेजेंट ऑन समय सोर्स है वो दो में डिवाइडेड है दैट इज वोल्टेज पे डिपेंड होने वाला करंट सोर्स एंड करेंट पे डिपेंड होने वाला करंट सोर्स ठीक है एंड और इसका रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ आपको इसमें याद रखना है दैट इज रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो जाएगा दोस्तों सेम हम करंट को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे आप सर्कल सर्कल के अंदर एक एरो एंड देन एरो जो करंट का डायरेक्शन दिखाता है एंड वो डिपेंडेंट में किस तरह हो जाएगा सेम रहेगा बस आपको सर्कल की जगह एक डायमंड शेप यूज करना है एंड उसके अंदर करंट का डायरेक्शन एंड यो यू को तो इस तरह आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है डिपेंडेंट करेंट शो बहुत रेयरली पूछा जाता है जो भी एग्जाम्स में रहता है बट आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखना चाहिए नाउ इतना होने के बाद अब हमारा कुछ लास्ट टॉपिक बचा जिसके बाद आप सबका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दैट इज ऑफ करेंट लॉ एंड ऑफ वोल्टेज लॉ ओके दोस्तों तो बट ऑफ लॉ पे जाने से पहले ना दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन बोल लो अभी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन किस चीज का तो बहुत बेसिक चीज है दैट इज सोर्स का सोर्स अभी आप तक आपने दो सोर्स देखा दैट इज वोल्टेज एंड करंट एंड इसके अलावा मोस्टली कोई सोर्स यूज नहीं होता तो ये जो वोल्टेज सोर्स हो जो करंट सोर्स है उसको आपको क्या करना होता है चेंजेस करने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है अब आप सब सोचोगे कि दीदी क्वेश्चन तो है ही नहीं बट तो हमें कुछ समझ नहीं रहा बट ये जो चीज चीजें आपकी बेसिक ही है मैंने सोचा इसको पहले ले लेते हैं ताकि आपका किट सॉ स्लॉ और अच्छे से हो जाए तो इसमें क्या रहता है सी जब आपका वोल्टेज सोर्स दिया रहता है तब आपको उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप सारे सोर्स को कन्वर्ट कर दो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में किस तरह आपको जुगाड़ करके लाना है वो आप पहले ध्यान से देख लो देन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो एक सर्किट बना लेते हैं हम उसमें हमारा इंडिपेंडेंट जो हमने इंडिपेंडेंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन लिया था ना वो करते हैं तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा एंड सर्कल के अंदर हमें प्लस माइनस साइन देना होगा एंड ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स राइट दोस्तों इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है बट हमेशा याद रखना जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं अब वो शंट रेजिस्टेंस आप कैसे दिखाओगे इसके ही सर्किट में आपको क्या करना है जस्ट मिनट। hmm. यही सर्किट में आपको बस यहां पे एक शंट रेजिस्टेंस दिखाना है सेम रखो बस यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखा दो और ये आपका आर एस हो जाएगा ठीक है एंड ये आपको शर्न रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज वी क्लियर वी आर एस देन नेक्स्ट चीज जो आपको कन्वर्सन करते वक्त ध्यान देना है दैट इज ये जो शर्न रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स के साथ पैरलेल आ जाएगा अगर ये वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है तो ये करंट सोर्स के साथ पैरल आ जाएगा देन आपको यहाँ पे बस वैल्यूज लिखनी है दैट इज वी आर हो जाएगा एंड दिस विल बी आर एस ठीक है दोस्तों तो ये करंट का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको आपको तो पता ही होगा दैट इज इधर आपका लग जाएगा आई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वी अपॉन आर एस ठीक है तो आपको समझ में आएंगे जब आपको वोल्टेज दिया रहेगा तब आप उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है सो करंट वोल्टेज सोर्स गॉड कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स ठीक है सिर्फ इतना चीज आपको याद रखनी है बाकी जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज करंट को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है ओके okay? तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग तो जो करंट सोर्स है दोस्तों उसको किस तरह दिखाना है देखो सिंपल हाँ अब यहां पे हमारा करंट सोर्स कुछ इस तरह रहेगा एक सर्कल सर्कल के अंदर एरो हम जो हमारा करंट और इसके साथ ना एक शंट रेजिस्टेंस होगा जो इसके साथ पैरली कनेक्टेड है ठीक है दैट इज आर एस ये आपका करंट हो गया आई ओके okay? अब आपको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज में कन्वर्ट करते वक्त याद रखो कि जो भी आपका वोल्टेज रहेगा दैट इज प्लस माइनस हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है शंट वो आपको सीरीज में बनाना होगा दैट्स इट इतना ही आपको करना है दोस्तों ठीक है एंड ये वोल्टेज का वैल्यू कैसे मिल जाएगा आपको तो पता है ये फॉर्मूला वी इक्वल टू आई आर एस ओके okay? तो इससे आपको वोल्टेज का ये मिल जाएगा कि कैसे करंट को आपको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है इधर तक आपका काम फिनिश हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो ये कन्वर्शन आपको आना चाहिए एकदम अच्छे से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड इफ आपको, आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने दीजिए दोस्तों क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझेगा बीडब्ल्यू कुछ हार्ड नहीं है सिर्फ डेफिनेशन कंसेप्ट एंड लिखने आना चाहिए डायग्राम बनाने आना चाहिए दैट्स इट उसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी नहीं रटनी है एंड न्यूमेरिकल को मैं इतने इजी तरीके से लूंगी ना कि आपको समझ में आ जाएगा मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल हार्ड पड़े नहीं ना तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ बीडब्ल्यू के भी नहीं पड़ेंगे तो भरोसा कीजिए एंड चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को टिल देन गुड बाय टेक केयर नमस्ते